विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा गुरमेहर कौर और उनके ट्वीट को लेकर हुए विवाद पर सफाई दी है। सहवाग ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उनका इरादा किसी को निशाना बनाने का नहीं था, उनका ट्वीट किसी के खिलाफ नहीं था। सहवाग ने इस मामले पर इससे ज्यादा कुछ कहने से इनकार कर दिया है। रामजस कॉलेज में हुई हिंसा और एबीवीपी का विरोध करने के बाद से शहीद कैप्टन मनदीप सिंह की बेटी गुरमेहर कौर सुर्खियों में है। सहवाग के एक ट्वीट को गुरमेहर कौर के एक पुराने वीडियो से जोड़कर देखा गया। इस पुराने वीडियो में गुरमेहर कौर ने कहा था कि उनके पिता को पाकिस्तान ने नहीं, युद्ध ने मारा था। वहीं सहवाग ने लिखा था कि 13 शतक उन्होंने नहीं, उनके बल्ले ने बनाया था। इसके बाद गुरमेहर और सहवाग दोनों के ट्वीट ट्रोल करने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि सहवाग अपने शतक को सैनिकों की शहादत के बराबर रख रहे हैं। सहवाग ने इस मामले पर ट्वीट करके कहा कि मैंने ट्वीट मजाकिया अंदाज में किया था, न कि किसी को उसके विचारों के लिए निशाना बनाने के लिए। उन्होंने अगले ट्वीट में कहा, गुरमेहर को अपने विचार जाहिर करने का पूरा हक है। जो भी उसे हिंसा या रेप की धमकी दे रहे हैं वे जीवन के निचले स्तर पर हैं। सहवाग ने कहा कि सभी को अपने विचारों के बारे में बोलने की आजादी है, चाहे वो गुरमेहर कौर हो या फोगाट बहने। आपको बता दें कि गुरमेहर ने भी सहवाग के इस ट्वीट पर निराशा जताई थी। उन्होंने कहा था कि वो बचपन से सहवाग की बैटिंग देखती आ रही है, लेकिन वीरू का ट्वीट देखकर उनका दिल टूट गया। सहवाग के अलावा पहलवान योगेश्वर दत्त ने भी कहा है कि वे गुरमेहर कौर के खिलाफ नहीं हैं, वे उनका सम्मान करते हैं, वो शहीद की बेटी है, बस उनके विचार उनसे अलग हैं। हालांकि इससे पहले योगेश्वर ने भी सहवाग की तर्ज पर गुरमेहर कौर के बयान पर इस मजाकिया अंदाज में जवाब दिया था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।